हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ए टू जेड एन्जॉयमेंट। सो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज, आज शेयर करने आई हूँ आपके साथ दही बड़े की रेसिपी। यहाँ मैंने आधा किलो उड़द की धुली हुई दाल ली है, जिसे मैंने अच्छे से धोकर गर्म पानी में भिगो दिया है 6 से 7 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट भी इसको भिगो सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने इसको पीसा है मिक्सी में, उसके बाद में बहुत ही मेहनत के साथ मैंने इसको इतनी देर तक फेटा है। आपको भी बहुत मेहनत के साथ इसको अच्छे से फेटते रहना है, जब तक कि आप देखें ना इसके बॉल ना बन जाए। लगातार 20 मिनट्स तक इसको फेटिंग वाला देखेंगे, इसका वेट भी हल्का हो जाएगा और एक बॉल ट्राई करेंगे। मैंने बाउल में पानी लिया है ना, आप देखिए बॉल कैसे तैरने लगी है, यानी कि ये बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब तेल गरम कर लेते हैं और इसमें अपने बड़ों को फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने छोटी सी पकौड़ी डालकर ट्राई किया कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तेल हमारा ओके है, तो अब हम इसमें यहाँ अपने बड़ों को फ्राई करेंगे। तो एक एक करके मैंने बॉल्स बनाकर ट्राई की थी, लेकिन गाइस मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई यहाँ पे। मैंने बॉल का साइज़ बहुत बड़ा ले लिया था बड़ों के लिए, तो इससे क्या हो गया था ना कि अंदर की जो दाल थी कच्ची कच्ची रह रही थी। तो अगर आप बॉल्स ट्राई करें तो बॉल का साइज़ या तो छोटा रखें या तेल को हल्की फ्लेम में रखें, ताकि बॉल्स को देर तक अंदर तक फ्राई होने दें, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने जो बड़े बनाए थे स्टार्टिंग में तो अंदर से कच्चे कच्चे रह रहे थे, बाद में मैंने धीमी आंच पर उसको देर तक फ्राई करा तो इससे बड़े क्रंची भी हुए और अंदर तक सारी दाल भी पक गई है। गाइस, सीखने का तो आज मुझे ये मिला कि मम्मी से तो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं लेना चाहिए, वरना तो हार होनी ही होनी है। मम्मी बोल रही थी बड़े का साइज छोटा कर ले, दाल कच्ची रह जाएगी, और वही हुआ। खैर, आप भी इस रेसिपी को अच्छे से सीख लीजिए। तो बड़ों को डीप फ्राई करने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं, देखिए कितने क्रंची हो गए हैं। मम्मी की टिप्स काम कर गई, आप देख रहे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम होती मम्मी तो सॉर्ट आउट कर ही देती है, उनके पास तो हर बात का सजेशन होता है। तो पहले बड़ों को ठंडा होने दें, जब वो ठंडा हो जाए तो इधर आप थोड़ा सा गर्म पानी लें, नमक डाला हुआ, उसमें बड़ों को 1 मिनट के लिए डालें और वापस से निकाल लें। गाइज, याद रहे बड़ों को ज़्यादा देर पानी नहीं डिप करना है, डालकर तुरंत निकाल लेना है, बाकी उसको निचोड़ लेना है ताकि उसका शेप ना ख़राब है, वरना वो दही में फूट जाएंगे। तो देखिए गाइज, ये मैंने गुड़ और इमली की चटनी बनाई है, वो भी घर पे ही। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसकी लिंक मैंने वीडियो के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करके रखी है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। मैंने भी ये चटनी पहली बार ट्राई की है, लेकिन ये बहुत ही इजी रेसिपी थी और मुझे भी बनाते हुए बहुत अच्छा लगा और ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी थी। सो गाइज, आप भी फुल वीडियो वॉच करें और ये ज़रूर ट्राई करें घर पर मीठी चटनी। खैर, यहाँ पर मैंने दही का पैकेट लिया है, उसको फेंट लिया दही को अच्छे से, ताकि इसमें लंग्स ना रह जाएं बिल्कुल भी। अब जो पानी के भीगे हुए बड़े हमारे रखे हुए थे, उनको हम एक एक करके दही में सर्व करेंगे, इसके बाद ही हम अपनी प्लेट्स लगाएंगे और खुद और अपने गेस्ट के संग उनको इंजॉय करेंगे। तो देखिए, मैंने देखे सारे बड़े यहाँ पे दही में सर्व कर दिए हैं। पूरा पोर होने के बाद जब थोड़ा सा दही अब्जॉर्ब कर लें तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में 2 बड़े लिए हैं, मैंने अपने और अपनी सिस्टर के लिए लगाए हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ, ऑफिस कलीग्स के साथ, जहाँ भी चाहें इसको अच्छे से सर्व करें, पार्टी में या आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप इसको ट्राई करें। दही बड़े तो ऑलवेज फेवरेट रहते हैं, मोस्टली सभी को पसंद है। खैर, आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे दही ऐड करा है और ये आ गई है धनिया टमाटर की हरी चटनी, और ये बहुत ही चटपटी थी। गाइज, अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी, आप बताएं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। वीडियो के लिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप हरी चटनी की वीडियो बना दीजिए। बाकी मैंने जो ये गुड़ और इमली की चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर। अब ये आ गया थोड़ा सा गरम मसाला, इसी के साथ में डालेंगे हम कैच का चाट मसाला और नमक और पिसी लाल मिर्च। आप चाहें तो इसमें अदर कोई मसाला, अमचूर पाउडर या भुना जीरा पाउडर, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कीजिए, इन्जॉय कीजिए। हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए और इन्जॉय करिए दही बड़ों को और मेरे चैनल को। तो थैंक यू फॉर गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।